हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्लीपी सी। इस टाइम देश के हालात बहुत ख़राब है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कर्व जो है वो फ्लैट होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में जो सरकार है उसने हाथ खड़े कर दिए। काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिल ही रही होंगी कि हॉस्पिटल्स सिमेट्री वगैरह में क्या हालात हैं। अब इन सब चीज़ों के चलते हम लोग तो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे या फिर काम पे नहीं जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, मगर स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। या तो उनकी ड्यूटी ऐसी है या फिर शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे हमने इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, जिन्हें शायद समाज में उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है। सो आइए देखते हैं। तुम जाग से लग रहा था ना बेटा तो पता क्या है, फिर मतलब इतना कुछ देखा भी नहीं है, ऐसा भी देखने से भी हो है ना भी, हमने मतलब कोरोना देखा दिखने लायक नहीं है ना, कुछ है नहीं ना, दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले तो ये हमें तो ऐसे ही लगा हुआ ड्यूटी पास है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब जैसे अभी आंखें तो नहीं देखी है इस चीज के बारे में अभी, लेकिन सुनते हैं कि भाई ज्यादा बहुत ही ज्यादा हुआ है, मतलब दिक्कत है बहुत ज्यादा। नहीं जी क्योंकि यहाँ पे बेटा काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर ये काम भी तो करना है बेटा, यहाँ जरूरी है। गांव भी क्या करते जाके वहाँ भी जाके बैठना, तो यहाँ ही बने रहे क्या करेंगे, और सारी गाड़ियाँ सब बंद। अगर एक दिन ना आते हैं तो बहुत सारा काम हमारा फैल जाता है, मान लो हमारी छुट्टी भी नहीं होती है, अगर एक दिन छुट्टी कर लेते तो हमारे मतलब काम फैल जाता है ना, तो इसलिए लॉकडाउन हो या कुछ भी हो हमारा तो आना मतलब हमेशा के लिए आना। जैसे कैसे चल लगेगी जो लगेगी जो रोना होएगा तो होएगा बेटा। वैसे तो शुरू में तो मैंने भी करी छुट्टी ऐसे ही, लेकिन फिर देखा ना कुछ ना है। अब देखो घबराहट तो होती है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, ये भी है ना। अब मतलब अपनी सेफ्टी करके मतलब काम धंधे भी करेंगे, डरने से भी कितने डरते रहेंगे, जब ऊपर वाले ने लिख दिया कि भाई मरना तो मरेंगे पर क्या करेंगे बस यही है हो गया। पर मैं मानता भी नहीं हूँ इसको, जब ही ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार इतना डर भी लगता आपको। आवाज तो भी है, आवाज काम तो करना ही, काम तो करना है बेटा, काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे। वो मशीन दी है वो चेकिंग करने लगे। देखो बेटा मास्क तो हमेशा लगा के रखते हैं, तो जो ये हाथों में पहनने वाले थे ना, पहले बीच बीच में हर रोज सब्जी से लेते थे शीशों के इसमें से, तो वो रोज बोलते थे जैसे घर से रेखा हो तो ये पहन के काम करना और उसके बगैर काम नहीं करना। मैं क्या अच्छा ठीक है, एक महीना तो बेटा हमने इनकी मतलब वो करी, तो उसके बाद फिर हमने सोचा अरे रोज की रोज अच्छा सा लगेगा, फिर हमने लेना मतलब इनको छोड़ दिया, तो हमने आपसे मतलब ऐसे काम करना ऐसे शुरू कर दिया। मैं क्या रोज की रोज ये फट भी जाते हैं और महंगे भी इतने आते होंगे, और कोरियर वगैरह वहीं रखने लगे लोग, वहाँ ढेर लग जाता है, कोई लेकर राजी नहीं, और अगर आप सुबह का आया हुआ शाम को ही उठाते हैं लोग, मतलब हम इंसान नहीं उनको कोरोना नहीं लगना, हमें भले ही लग जाए। ये लॉकडाउन में एक दिन बंद हुआ था, जब कितनी तारीख को बंद हुआ था ना ये वो जनता कर्फ्यू, हाँ 21 या 22 तारीख को, 22 तारीख को बस उस दिन नहीं आए थे हम, नहीं बाकी दिन तो हर रोज ही आ रहे हैं। हमें नहीं मिली छुट्टी, हमें दे तो अपने आप ही करके बैठ गए एक सवा महीने की, लोग छुट्टी भी नहीं ऐसे देते भी, चला पते में एक छुट्टी होनी चाहिए भी आराम करने के लिए, वो भी नहीं है, तो हम मतलब छुट्टी करनी होती है तो हम अपना आप ही कर लेते। अच्छा वैसे छुट्टी नहीं मिलती है वैसे छुट्टी नहीं मिलती है, कोई बहुत जरूरी काम होता ना बेटा तो इसलिए हम छुट्टी कर लेते हैं, तो इन लोगों ने मतलब छुट्टी दे रखी ना हमारे को। फिर बच्चे कहने लगे वो ये बीमारी ऐसी है ये है वो है, और जो है 60 एज से ऊपर 65 से ऊपर वाले लोग जो है उनको ज्यादा वो है, तो
तो ये मगा होगा, चलो हमने भी छुट्टी कर ली। ये थी बात। तो इससे पहले आखिरी बार कब करी थी इतनी, एक डेढ़ महीने की छुट्टी? इसे नहीं, ये ड्यूटी पे हाँ कभी नहीं करी, पहली बार करी। उसके बाद से कभी एक दिन छुट्टी ना मिली ना आपने तो मांगी नहीं? मांगने से थोड़ा ना देंगे। दिहाड़ी वगैरह हम तो बहुत फर्क पड़ गया, एक साल पीछे हो गए समझ लो। अच्छा, और क्या, दो ढाई महीने तक पूरा परिवार बैठ गया, सारा बहुत तंगाई हो गई मतलब इसके बारे में बहुत। तो जैसे आपका जो परिवार है ज्यादातर इसी पे निर्भर है? हाँ, इसी पे है। जैसे रोज खाने वाले रोज कमाने के लिए बस यही है, और तो है नहीं कि भाई कहीं से आ रहे हैं। दिहाड़ी करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं तो घर बैठे हुए कहाँ से आएंगे। मजदूरी कार्ड भी था हमारे पास में, उसमें भी कुछ भी नहीं आया, उसके अंदर भी राशन मिला, राशन भी आधार कार्ड से मिला था, दो महीने बस राशन भी नहीं है बड़ा हुआ। नहीं बेटा, हमारे को तो सरकार की तरफ कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई मदद नहीं मिली, जैसे केजरीवाल सरकार या मोदी सरकार किसी से भी कुछ नहीं। 500 रुपए तो वो जो जीरो बैलेंस आया ना, जीरो बैलेंस होता क्या है, होता क्या, एक दिन का खर्चा हमारा, आप जैसा का तो खर्चा भी पूरा। अपनी साइकिल उठाई, दो ढाई महीने हो गए उसी से आ जा, मेरे लिए बढ़िया रहा ये, और बल्कि एक घंटा सुबह चलाऊं साइकिल, एक घंटा शाम को, एक घंटा लग जा एक्सरसाइज। शुरू शुरू में जब मैंने साइकिल उठाई जब तो डेढ़ घंटा लगता था, चली ना थी, आदत पड़ गई। फिर उसके बाद जो है एक घंटे में जो है हो जा। देखो बेटा ऐसे है ना, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, मानते हैं हमारे को भी, अम्मी लोगों को बहुत मानते हैं। अगर ये भी हमारे को बारे में पूछते रहते भी, रेखा तुम कैसे हो, धर्मा तुम्हारा परिवार कैसा, हम बोल देते हैं जी मैडम जी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, तो मतलब ये लोग बोल देते हैं जी हाँ रेखा अच्छे है। कोई पता नहीं लगता बेटा अब कब खत्म होएगा, कभी ऐसे कुछ कह नहीं सकते। देखो जून ये अपना जून है और जुलाई में तो कुछ तेज ही रहेगा ऐसा, जुलाई अगर सितंबर लो जाकर ये सुना है मैंने ठीक होएगा। मम्मी पापा मेरे रोज काम पर जाते हैं, पूछा मैंने उनसे क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं, हफ्तों तक वो घर नहीं आते हैं। वो हंसकर बोले हम उस देश के निवासी हैं जहां गरीबी ने बहुतों का दम तोड़ा है, पर बेटा इस महामारी ने तो सबको ही निचोड़ा है, अब उतनी आजादी कहां कि तुम्हारा प्यार और खुशियां दोनों चुन सकूं। यही कोशिश है कि अपनी जान थोड़ी सी दांव पर लगाकर परिवार के लिए खुशियां बुन सकूं।